जो पास है उसमें ही अपने आप को कैसे खुश रखे। इंसान के पास जितना भी धन होता है उसमें खुश नहीं रहता, बल्कि और अधिक धन पाने की चाहत रखता है, जिसके कारण इंसान हमेशा परेशान रहता है, कभी अपने आप को खुश नहीं रख पाता। यह रोचक छोटी प्रेरक कहानी आपको यही बात सिखाएगी कि कैसे इंसान खुद को खुश नहीं रख पाता। एक बार की बात है कि एक राजा जिसका बहुत नाम था, दूसरे राज्य के राजा भी उससे सीख लेते थे, सब राजा की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि उसकी प्रजा में सभी लोग खुश हैं, कोई दुखी तो नहीं है, ये देखने के लिए वह अपने सेनापति के साथ चल दिए। रास्ते में अलग अलग सोच वाले व्यक्ति मिले, कोई राजा की बहुत तारीफ करता तो कोई राजा को कुछ सुझाव देता, लेकिन सब खुश थे। राजा को जो भी व्यक्ति मिल रहे थे उनको कुछ न कुछ तोहफे में दे रहा था, किसी को अशरफी, किसी को सोने के सिक्के। इतने में राजा की नज़र एक भिखारी पर पड़ी जो बहुत दुखी नज़र आ रहा था। राजा ने सोचा कि इस भिखारी को कुछ दे दिया जाए ताकि ये खुश रहे। राजा ने अपने सेनापति से कहा कि भिखारी को लेकर आओ। सेनापति भिखारी को राजा के पास लेकर आया। राजा ने भिखारी को एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी बेहद खुश हुआ, वह फिर से वहीं जाकर बैठ गया और खुशी होने के कारण सिक्के को जोर जोर से ऊपर उछालने लगा। एक बार सिक्का उछलकर नाली में गिर गया। भिखारी सिक्के को नाली में ढूंढने लग गया। राजा ने भिखारी को देखा कि उसका सिक्का नाली में खो गया है। भिखारी फिर से दुखी हो गया। राजा ने सेनापति से भिखारी को लाने को कहा और उसे एक सिक्का और दे दिया। अब की बार भिखारी ने सिक्का अपनी कुर्ता की जेब में रख लिया और फिर से पहले वाले सिक्के को खोजने लग गया जो नाली में गुम हो गया था। राजा ने सोचा कि भिखारी को एक सिक्का और देना चाहिए, हो सकता है कि एक सिक्का कम हो। राजा ने भिखारी को फिर से बुलाया और एक और सिक्का दे दिया। अब उसके पास दो सिक्के थे। भिखारी ने फिर से सिक्का अपनी जेब में रखा और फिर से वही जाकर नाली में गुम हुए सिक्के को खोजने लग गया। राजा ने फिर भिखारी को देखा और बड़ा अजीब लगा कि जो व्यक्ति एक सिक्का मिलने पर बहुत खुश था, वो दो सिक्के पाकर भी पहले वाले सिक्के के लिए परेशान है। राजा ने भिखारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि अब तो आपके पास दो सिक्के हैं, फिर भी आप जो सिक्का गुम हो गया है उसके लिए परेशान हो, क्या चाहिए आपको, कितने सिक्के चाहिए। भिखारी बोला कि मुझे तो पहले वाला सिक्का ही चाहिए जो गुम हो गया है। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो उससे खुश नहीं है जो हमारे पास है, लेकिन उसके लिए परेशान है जो जा चुका है, जिसे पाया नहीं जा सकता, या जो नहीं है और ज़्यादा की चाह में हम उसे भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते जो हमारे पास पहले से है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।